जनता से जुड़ने की यात्रा है, और जो नुकसान बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ने देश का किया है, जो देश को बांटा है, नफरत फैलाई है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली। एज आई हैव सेड, द बीजेपी हैज टेकन कंट्रोल ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिस कंट्री। वी यूज्ड टू फाइट अ पॉलिटिकल पार्टी, नाउ द फाइट इज नॉट बिटवीन वन पॉलिटिकल पार्टी एंड अनदर पॉलिटिकल पार्टी। Now the fight is between the structure of the Indian state and the opposition. कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन शुक्रवार को तमिलनाडु के नगरकोइल में शुरू हुआ और पार्टी नेता राहुल गांधी ने स्कॉट क्रिश्चियन कॉलेज से राष्ट्रध्वज फहराया। यात्रा के तीसरे दिन उन्होंने तमिलनाडु के किसानों के साथ बातचीत की, जिन्होंने किसानों के विरोध के दौरान जंतर मंतर पर फार्मर्स सुसाइड्स को सिग्निफाई करने के लिए स्कल्स के साथ प्रोटेस्ट किया था। राहुल गांधी ने इस दौरान मीडिया से भी बातचीत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारे लिए ये यात्रा लोगों से जुड़ने की है। बीजेपी की विचारधारा से देश को जो नुकसान और नफरत हुई है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली है। जरा सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। जनता से जुड़ने की यात्रा है, और जो नुकसान बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ने देश का किया है, जो देश को बांटा है, नफरत फैलाई है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने तो इस लड़ाई को इंडियन स्टेट वर्सेस ऑपोजिशन कह दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, ये मुकाबला पार्टियों का नहीं, भारतीय राज्य के ढांचे और विपक्ष के बीच है। बहुत से लोगों को लगता है कि बीजेपी के साथ हाथ मिला लें, झगड़ा क्यों करें, लेकिन मुझे आइडिया ऑफ इंडिया के लिए लड़ना है। जरा सुनिए। As I have said, the BJP has taken control of all the institutions of this country. So we are not fighting anymore a political party. We used to fight a political party. Now the fight is not between one political party and another political party. Now the fight is between the structure of the Indian state and the opposition. कांग्रेस अध्यक्ष पद के बारे में पूछे गए सवाल पर राहुल ने कहा कि जब चुनाव की प्रक्रिया खत्म होगी तब आपको पता चल जाएगा कि मैं अध्यक्ष बन रहा हूं या नहीं। अगर मैं नामांकन नहीं करता तो आप सवाल पूछ सकते हैं। राहुल गांधी ने बुधवार को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। यात्रा का समापन कश्मीर में होगा। ये यात्रा 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 12 राज्यों को पार करेगी, जिसे पूरा होने के लिए लगभग 150 दिन लगेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।